मैं सोच रहा चाय तब से उबल क्यों नहीं रही भाई। हेलो बेटा, अरे बेटा उधर आवाज आ रही है। किस चीज की आवाज आ रही है? बाहर जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होता। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जूम करके नहीं नहीं नहीं, चलो चलो मैं जूम करके देखता हूँ। हाँ देख देख, कुछ जा तो रहा है। हाँ मतलब दहाड़ने की आवाज आ रही। तो यार गाना सुनते सुनते टाइम का पता भी नहीं चला कब इतना ज्यादा अंधेरा हो गया। तो अभी के लिए मैं गाड़ी की डिक्की में सोने जा रहा हूँ। तो व्हाट्स अप गाइस, आज फिर से आ चुका मैं उत्तराखंड के एक और डीप फॉरेस्ट में और यहाँ पे करने वाला हूँ मैं नाइट कैंपिंग। तो आज मैं कार कैंपिंग करने वाला हूँ, ये फर्स्ट बार में ट्राई कर रहा हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले और लोकेशन को सर्च करते हैं। तो गाइस लोकेशन को सर्च करते करते हम कुछ इस तरह के टॉप के लोकेशन पे पहुंच गए और अभी भी हमें लोकेशन वगैरह कहीं पे मिला नहीं अच्छा सा कि जहां पर कि हम टेंट वगैरह पिच कर सके। वैसे तो आज कार कैंपिंग करने वाले हैं लेकिन टेंट को भी पिच करेंगे। तो अभी के लिए लोकेशन ही सर्च कर रहा हम और बहुत आगे हम निकल चुके हैं भाई। ये देखो कुछ इस तरह के टॉप के लोकेशन पर हम पहुँच गए हैं। तो देखते हैं कितनी देर बाद हम लोकेशन पर पहुँचते हैं और कौन सा लोकेशन हमारे लिए परफेक्ट रहता है जहाँ पे कि हम नाइट कैंपिंग कर। गाइस लोकेशनों को सर्च करते करते हमें एक लोकेशन तो मिल गया, तो वहाँ पे विजिट करके देखते हैं लोकेशन परफेक्ट है या नहीं है नाइट कैंपिंग के लिए। तो गाइस कुछ इस तरह की लोकेशन पर हम पहुंच गए। तो ये आप पीछे देख सकते हैं काफी प्यारा व्यू लग रहा है और यहाँ पर हमने कार भी पार्क कर दी। तो यहीं पर आज हम नाइट कैंपिंग करने वाले हैं। तो अभी के लिए जल्दी से कार में से सारे सामानों को बाहर निकालते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस सामान मैं कार से बाहर निकाल लेकर आ गया। तो आप पीछे व्यू देख सकते हैं काफ़ी प्यारा व्यू है। तो सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे लोगों ने पहले से कैंपिंग करा है और ये जगह बिल्कुल सेफ लग रहा है मुझे और काफ़ी परफेक्ट जगह है। और यहाँ पर हमें लकड़ियाँ वगैरह लेकर आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर लकड़ियाँ ऑलमोस्ट पहले से लोग लेकर आ रखे हैं और यहाँ पर बची हुई है लकड़ियाँ। तो इन्हीं से अपना काम चल जाएगा। तो अभी के लिए हम सबसे पहले टेंट वगैरह पिच कर लेते हैं। वैसे तो ये कार कैंपिंग है लेकिन हम सोच रहे टेंट भी पिच कर लेते हैं, टेंट के अंदर खाना वगैरह बना लेंगे क्योंकि बाहर में बहुत तेज़ हवा भी चल रही है यहाँ पे। तो गाइज ये रहा अपना 2% टेंट, तो इसको जल्दी से पिच कर लेता हूँ मैं, फिर देखते हैं भाई आगे क्या सीन होता है। तो जगह तो इतना प्यारा है, काफ़ी प्यारा व्यू है और बहुत बड़ा ये ग्राउंड है यहाँ पे और पीछे का व्यू तो आप देख पा रहे हो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का व्यू है भाई, गॉर्जियस व्यू है। तो अभी के लिए मैं टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ और जल्दी से टेंट वगैरह पिच कर लेता हूँ। तो गाइस टेंट अपना मस्त सब फिट हो गया। तो आज रेन कवर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है और धूप लग रही है मस्त सी। तो अभी के लिए ये रहा भाई अपना टेंट, तो कुछ इस तरह का लग रहा। तो आज रेन कवर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और धूप ऊपर से बहुत तेज़ हो रही भाई आज। मैं सोच रहा था एक दो दिन में बारिश आ जाती तो मैं रेन कैंपिंग कर लेता लेकिन बारिश भाई बिल्कुल भी नहीं आ रही आजकल दो चार दिन से। तो अभी के लिए टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ और टेंट के अंदर सामान को शिफ्ट करता हूँ। तो गाइस फाइनली टेंट अपना अच्छे से पिच हो गया और सामान मैंने टेंट के अंदर सारे शिफ्ट कर दिए। तो अभी के लिए सबसे पहले कॉफ़ी बनाते एक बढ़िया सी और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को मे बी बारिश वगैरह आ सकती है, तो रेन कवर अगर बारिश वगैरह आएगी तो रेन कवर बाद में डाल लेंगे। तो अभी के लिए सबसे पहले कॉफ़ी बनाने की तैयारी करता हूँ। गाइस सामान ऑलमोस्ट सारे सेट हो चुके हैं तो अब जल्दी से पहले कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं। तो ये रहा अपना ब्यूटेन सिलेंडर भाई, ये पहले से ऑन था। तो ये रहा अपना स्टोव, तो मस्त सी कॉफ़ी रेडी करते हैं यहाँ पे और व्यू तो भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है भाई। सोचा नहीं था कुछ
इस तरह का व्यू पॉइंट मिलेगा। और ऊपर साथ मौसम इतना बढ़िया हो रखा, बारिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो मस्त सी कॉफ़ी रेडी करते हैं, फिर कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं। गाइस चाय अपनी उबल चुकी है, मस्त सी चाय बन गई है। पहले मैं कॉफ़ी बनाने का सोच रहा था, बैग में देखा मैंने कॉफ़ी का पैकेट ही नहीं आ रहा, मैं लाना भूल गया। तो आज मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ कैंपिंग पे, तो मेरे साथ एक अंकल जी है वो गुजरात सार के, आज हम साथ में आए हैं नाइट कैंपिंग करने के लिए। जो नेक्स्ट सॉन दिख रही है पीछे वो भी काका जी की है। तो अभी के लिए जल्दी से चाय को करते हैं फिनिश और फिर कुछ बढ़िया सा देखते हैं रात का, मतलब डिनर कुछ बढ़िया सा बनाएंगे रात को। तो काका जी से भी भाई मिलाता हूँ मैं तुम्हें, ये चेक करो भाई। गुड इवनिंग गाइस, आज बहुत अच्छा लग रहा है और नाइट कैंपिंग का मज़ा ले रहे हैं और उसके साथ एक गरम गरम चाय की चुस्की मारेंगे। तो गाइस जल्दी से चाय का मज़ा लेते हैं और पीछे का व्यू तो आप देख पा रहे होंगे। मुझे लगता है कि आज रात को मे भी बारिश वगैरह आ सकती है क्योंकि बादलों की आवाज़ आ रही है। तो जल्दी से कॉफ़ी वगैरह, जल्दी से चाय को फिनिश करते हैं क्योंकि मैं ज़्यादातर कॉफ़ी पीता हूँ तो बार बार कॉफ़ी निकल जा रहा। तो अभी के लिए मैं जल्दी से चाय को फिनिश करता हूँ, फिर देखते हैं भाई डिनर में क्या बनाते हैं, कुछ बढ़िया सा ही बनाएंगे तो वो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। तो गाइस फाइनली चाय अपना हो चुका है फिनिश, डिनर की तैयारी करते हैं और धूप भी छिप चुकी है। तो यहाँ से जो व्यू लग रहा है ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का लग रहा। तो ये व्यू आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का व्यू लग रहा। और यहाँ से नंदा घुघुती और त्रिशूली पर्वत का व्यू दिखता है। टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ और जल्दी से डिनर की तैयारी करता हूँ। तो गाइस डिनर में अभी के लिए तो हम बनाने वाले हैं पकौड़ी। तो आलू वगैरह मैं सब कुछ साफ करके लाया था, तो जल्दी से आलू वगैरह छीलते हैं। और तो थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ धूप हो रही थी और अभी के लिए मौसम बहुत प्यारा बन गया भाई, पूरे बादल बादल आ गए तो मौसम काफ़ी नेक्स्ट लेवल का लग रहा। फाइनली आलू अपना कट चुका है और इसके बाद इसको फ्राई करते हैं। पहले तो मसाला तैयार करते हैं फिर आलू को फ्राई करेंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है मसाला रेडी करने में। तो ये रहा बेसन, ये चेक करो गाइस, ये दही, ये रहा मिर्च पाउडर और ये रहा धनिया पाउडर। तो गाइस इसमें मैंने दही, बेसन और धनिया, मिर्च और हल्दी सब कुछ मिला दिया। तो इसको अच्छे से मैं मैरिनेट कर देता हूँ और फिर आलू को भी मिक्स करके मैरिनेट करना है। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक बाद में पानी छोड़ देगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, मसाला काफ़ी नेक्स्ट लेवल का रेडी होने वाला है। तो इसमें अभी एक चीज़ और करना है, वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको। ये आप चेक करो गाइस, ये अच्छे से हो चुका है मैरिनेट, जो मैंने ये मसाला रेडी करा है। तो इसमें मैं अब आलू को मैरिनेट करता हूँ अच्छे से, सामानों की थोड़ा शॉर्टेज हो गई आज, कम लेकर आया मैं। तो अभी के लिए ये इससे बनेगा पकौड़ी और इससे बनेगा फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई मैं आपको चेक कराता हूँ मसाला कैसे तैयार करा है हमने। इससे पकौड़ी बनेगा और इससे बनेगा अपना फ्रेंच फ्राई।
तो देखते हैं फ्रेंच फ्राई मैंने वैसा आज तक कभी ट्राई नहीं करा कैंपिंग में, और ये पकौड़ी मैंने ट्राई नहीं करा, तो देखते हैं कैसा हम बनाते हैं और कैसा इसका टेस्ट होता है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमकीन भी डाला है तो वो भी अच्छे से मैरिनेट हो गया। तो अभी के लिए जल्दी से तेल को गर्म करते हैं। तो गाइज ये चेक करो, इससे रेडी होने वाला है फ्रेंच फ्राई और इससे रेडी होने वाला अपना पकौड़ी। तो सबसे पहले मैं तेल को गर्म करता हूँ। तो गाइज फाइनली तेल गर्म अपना हो चुका है, तो इसमें आप फ्रेंच फ्राई बनाने की तैयारी करते हैं। तो गाइज ये चेक करो, कुछ ऐसा बन गया फ्रेंच फ्राई। वाह भाई डिलीशियस बना हुआ है, प्लेटेबल्स मस्त बन रहा है भाई। फ्रेंच फ्राई रेडी हो चुका है और पहली बारी का जो था वो हमने फिनिश कर दिया और ये सेकंड बारी का भी अपना रेडी हो चुका है। तो गाइज फ्रेंच फ्राई ऑलमोस्ट डन हो चुका है, पूरा बना दिया हमने और फिनिश भी कर दिया, तो थोड़ा सा बच रखा। और ये चेक करो भाई एपी, भाई हमें याद ही नहीं है गाड़ी में एपी भी पड़ी थी और अभी हम बाहर लेकर आए। तो जल्दी से मैं पकौड़ी बनाने की तैयारी भी कर देता हूँ, और ये तो भाई बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि पानी भी छोड़ने लगी अब तो, क्योंकि नमक की वजह से। तब तक हम फ्रेंच फ्राई को फिनिश करते हैं जब तक अपनी पकौड़ी तैयार होती है। तो गाइज ये चेक करो भाई, सेकंड बारी की पकौड़ी भी रेडी हो चुकी है और इसके बाद बनाते हैं मस्त चाय, और शाम का समय है और चाय के साथ पकौड़ी। तो गाइज अभी के लिए करते हैं भाई चाय को रेडी और फिर पकौड़ी के साथ चाय का मजा लेते हैं। तो गाइज सिलेंडर हो चुका है ख़त्म और इस पर लगाना पड़ेगा दूसरा ब्यूटेन सिलेंडर जो मैं बैकअप के लिए लेकर आया था। मैं सोच रहा चाय तब से उबल क्यों नहीं रही भाई। तो गाइज ये चेक करो, फाइनली चाय अपना ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो गाइज अभी के लिए जल्दी से चाय को फिनिश करते हैं और पकौड़ी भी हमने ऑलमोस्ट बचा रखी है, तो चाय के साथ इसको भी फिनिश करेंगे। तो गाइज इसके बाद चाय को लेके चलता हूँ टेंट के बाहर, और बाहर वे सनसेट होने वाला है वो व्यू आपको चेक कराता हूँ और चाय का मज़ा लेता हूँ भाई इस नेक्स्ट लेवल के व्यू के साथ। तो गाइस चाय अपनी फिनिश हो चुकी है और पकौड़ी वगैरह सब कुछ फिनिश हो गया। तो अभी के लिए मैं सामान को जल्दी से पैक करता हूँ और टेंट को भी फोल्ड कर दूंगा। टेंट को इसके बाद गाड़ी के अंदर ले जाता हूँ, जो भी सामान मैं लेकर आया हूँ सबको गाड़ी के अंदर डालता हूँ और फिर आज का स्टे हम गाड़ी में ही करेंगे। तो जल्दी से सामान को पैक करता हूँ और टेंट को फोल्ड करके ले जाता हूँ भाई कार के अंदर। तो गाइस कार में खाना इसलिए नहीं बनाया, भाई गाड़ी में खाना बनाना थोड़ा रिस्क वगैरह है, आग वग लग जाए फिर भाई बहुत गंदा सीन हो जाए, इसलिए मैंने मतलब गाड़ी के बाहर ही खाना बनाना सही समझा, इसलिए मैंने टेंट वगैरह यहाँ पे पिच करा था। नहीं तो कार कैंपिंग में तो वैसे कार में ही ज़्यादातर खाना बनाते हैं, तो टेंट में खाना बनाया। तो अभी के लिए स्टे हम अभी गाड़ी में ही करने वाले हैं, तो जल्दी से टेंट वगैरह पैक करेंगे अभी। गाइज ऑलमोस्ट सनसेट भी हो चुका है, तो अभी आप टेंट को फोल्ड कर देते हैं। तो गाइज ये रहा अपना टेंट, ये मैंने फोल्ड कर दिया, तो अब इसको जल्दी से बैग में शिफ्ट कर देता हूँ और फिर इस गाड़ी के अंदर डालते हैं सारे सामानों को।
तो गाइस बैग मेरा पूरा पैक हो चुका है, तो बैग को मैं डालता हूँ कार के अंदर। तो गाइस फाइनली अभी के लिए अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं इसके बाद अब डिक्की में सोने जा रहा। तो अंकल जी जो है वो यहाँ पे सो गए हैं, तो बाहर आप चेक करो भाई पूरा अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट, तो ये आप चेक करो। तो इसके बाद मैं आप चलता हूँ इसके बाद डिक्की में सोने के लिए, तो लाइट में लेके वहीं जाऊँगा अपने साथ। तो ये रहा लाइट, चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, ओके टेक केयर। तो गाइस चलते हैं इसके बाद गाड़ी की डिक्की में, और अंधेरा तो ऑलमोस्ट हो ही गया भाई। भाई गाना सुनते सुनते टाइम का पता नहीं लगा यहाँ पे कि कब रात हो गई, तो अभी के लिए भाई ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा हो गया। तो यार गाना सुनते सुनते टाइम का पता भी नहीं चला कब इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो अभी के लिए मैं गाड़ी की डिक्की में सोने जा रहा, और अंकल जी को गुड नाइट बोल के मैं आ गया हूँ। तो आज की रात मैं गाड़ी की डिक्की में स्टे करने वाला हूँ। काफ़ी बड़ी डिक्की है वैसे गाड़ी की, ये आप चेक कर सकते हो भाई, बहुत बड़ी डिक्की है और बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो अभी के लिए इसी में स्टे करने वाला हूँ मैं, तो देखते हैं कैसे आज की पूरी नाइट सर्वाइव कर पाता हूँ मैं इसके अंदर। बहुत बड़ी डिक्की है भाई ये गाड़ी की, भाई फुल स्पेस है इसमें और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है सोने में। तो अभी के लिए सो जाता हूँ और इसके बाद सीधा आपको मॉर्निंग में मिलूँगा। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ कार के फ्रंट सीट में, और यहीं पे अंकल जी भी स्टे कर रहे हैं, तो यहीं पे मैं भी सो रहा हूँ। और पीछे डिक्की में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था सोने में, तो इसीलिए मैं भी आगे आ चुका हूँ अभी। तो अभी रात के बज चुके हैं 10, तो थोड़ा सा सोने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैं भी फ्रंट सीट में आ गया। तो अभी के लिए सो जाते हैं और मिलते हैं इसके बाद सीधे मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय 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 एंड गुड नाइट। हेलो बेटा, अरे बेटा, अरे उधर आवाज आ रही है, किस चीज की आवाज आ रही है देखना, अरे आवाज आ रही है, कहाँ? लेपर्ड की आवाज आ रही है। लेपर्ड यहाँ नहीं होगा। अरे यार देखो ना, कहाँ है? अरे पीछे बाहर देखो ना, दरवाजा मत खोलना, बाहर तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे आवाज आ रही है एकदम, कैमरा देना मैं जूम करके देखता हूँ। देखो देखो देखो, बाहर ना हो मैं? नहीं नहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। नहीं 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 मैं जूम करके, नहीं नहीं मैं जूम करके देखता हूँ। संभाल के, कुछ नहीं है यार बाहर। अरे प्रिकॉशन लेना। कहाँ पे? अरे उधर उधर पेड़ ना, पेड़ के नीचे। कहाँ है? पेड़ के नीचे, उधर से आवाज आ रही है। ओ लगभग, अरे घुस जा तो रहा है। हाँ हाँ, मतलब दहाड़ने की आवाज आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कैप्चर कुछ भी नहीं हुआ, बस दो दो तीन क्लिक में आपने देखो तीनों बारी भाई हिरन ही है, और हिरन ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं। हिरन भागते भागते जा रहा, तो हो सकता है लेपर्ड वगैरह की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन लेपर्ड उसके पीछे पड़ गया होगा, हो सकता है इसलिए वो भाग रहा था। तो अंकल जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है, तो घर जाने के लिए बोल रहे। घर जाना है क्या? हाँ चलते हैं घर भाई, सेफ जगह पर चलते हैं। यहाँ पर भी सेफ है? नहीं है, कहाँ सेफ है, जंगल में घना जंगल है। यहाँ पे डर लग रही है? डर तो डरने वाली बात नहीं, हम कार के अंदर सेफ है, फिर भी हमें कहीं सावधानी बरतनी पड़ेगी। चले ठीक है चलते हैं भाई, घर की तरफ चलते हैं। तो गाइस हो सकता है कि हिरन के पीछे लेपर्ड वगैरह पड़ गया होगा, तो हिरन भाग भाग के जा रहा था, तो आवाज़ आई होगी। तो अंकल जी ने बोला भाई वहाँ पे चेक करो क्या आवाज़ आ रही, तो वो डर गया थोड़ा। बाकी लेपर्ड हो सकता है भाई, बहुत घना जंगल है, लेपर्ड वगैरह होना आम बात है ऐसी जगहों पर। और अभी नींद बहुत ख़तरनाक आ रही भाई मुझे। वैसे हम गाड़ी के अंदर सेफ हैं, तो देखते हैं पूछता हूँ क्या सीन होता है, एक बार फिर से बाहर जा कर देखता हूँ, हो सकता है कुछ मिल गया तो फिर कैप्चर कर लूँगा। तो गाइस फाइनली अंकल जी के कहने पर मैंने घर जाने का डिसाइड तो कर लिया, क्योंकि यार वो थोड़ा बहुत डर रहे थे, और मुझे तो काफ़ी प्यारा जगह लगा और व्यू भी काफ़ी बढ़िया था, वो आपने देखा होगा। तो अभी के लिए इनके कहने पर मैंने भाई घर जाने का डिसाइड करा, क्योंकि फिर मैं अकेले हो जाता और अकेले रहना भी सेफ नहीं है, तो इसलिए अभी के लिए घर के लिए निकल रहा हूँ। तो ये आप चेक कर सकते हैं भाई, बाहर का काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा है। तो इसके बाद मिलते हैं सीधे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।